इस नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स रुके हैं। पहले शायद से यहाँ पे पार्किंग नहीं था, पहले लोग ना यहाँ पे ना बाहर ही पार्क करते थे, मतलब बाहर पार्क करते थे और अंदर जाते थे। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, जहाँ पे मैं आज पहली बार जाने वाला हूँ। दो बार लेह लद्दाख जा चुका हूँ, यहाँ पे कभी गया नहीं, लेकिन इस बार जाऊँगा क्योंकि इस बार अपने पास बहुत टाइम है। ओके, सो बाइक यहाँ पे लग चुका है, हेलमेट है, बिकॉज पे पार्किंग है तो कुछ यहाँ पे होगा नहीं। चलते हैं अंदर हम वहाँ पे। ये व्लॉग में अलग से कर दिया कि मैं आपको अलग से आपको कारगिल वॉर मेमोरियल दिखा सकूं। तो यहाँ पे सब मेमोरीज रखे गए हैं और वो हमें भी और आपको भी देखने का मौका मिलेगा। ये एंट्री गेट है हर जगह हमारे सोल्जर से। यहाँ से कहाँ से? यहाँ से एंट्री गेट। आते आते यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिला है, जो कि यहाँ पे मतलब ये जो ट्रैक बना है, मतलब ये जो रोड बना है, हमको इस पे ही ट्रैवल करना है। ना हमको गार्डन में जाना है, ना किसी प्लेस को जाना है, ना किसी चीज़ को टच करना है। ओ समझ रहा है? यस सर। किसको भी टच नहीं करना है, इसी पे रोड चलना है और अपना बैग भी नीचे नहीं रखना है। वाह भाई, पहले इस चीज़ को हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे अपने देश का फ्लैग कितना दिख रहा है, तिरंगा यहाँ पे कितना दिख रहा है। मतलब जम्मू कारगिल, जम्मू श्रीनगर, यहाँ पे बहुत ही रेयर तिरंगा हमको दिखेगा, बहुत ही कम। और यहाँ पे देखो तिरंगा अपना ही अपना है, यहाँ से 9 किलोमीटर मतलब पीछे तक अपना एरिया, उसके बाद फिर बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। और देख सभी के वहाँ पर नाम लिखे जिन जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस चीज़ को जीतने के लिए। वो देख उससे अटैक करते हैं पहाड़ों पर उससे अटैक करते हैं। ये मूवी जो अपने देखी थी, ये इन पे थी। शेरशाह, विक्रम बत्रा। सो ये एक मशीन गन है जिससे फायर होता है पहाड़ों पे, लोड होता है मशीन इसमें। और यहाँ पे नाम लिखा गया है, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। और सामने पहाड़। ओहो, उस साइड भी है, वहाँ भी हम जाएंगे। वीरभूमि उस प्लेस का नाम है, तो यहाँ लिखा हुआ है। क्या बात है वहाँ पे। और सोल्जर्स जो है इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं सभी को, यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। ये मशीन देख के बहुत प्यारा लग रहा है। संदीप जो है पता नहीं कहाँ है भाई, वो रील भी कहाँ क्या शूट कर रहे हैं। बाद में पहले हम घूम लेते फिर हम रील वील शूट करेंगे। ये हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं भाई। अगर ये 9 किलोमीटर पार कर लेंगे ना अपन, पहले ही गोली अपने को मार दिया जाएगा। उधर से इधर से नहीं, इधर से तो बचाएंगे अपने को। अपन सकल से इंडियन लगते हैं रे, और बिहारी भी। ये है वीरभूमि, यहाँ सभी के नाम लिखे गए हैं जिन जिन लोगों की जान गई है हमारे सोल्जर की। बहुत बढ़िया। वहाँ पे जो आपको फ्लैग दिख रहे, अलग अलग फ्लैग दिख रहे हैं ना, वो भी अलग अलग आर्मी के हैं, अलग अलग ग्रुप के हैं फ्लैग। सो ये है वीरभूमि। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, फिर वहाँ से वहाँ भी जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे आने के लिए ना वहाँ पे एंट्री करना पड़ता है, और 50 रुपये एंट्री फीस लिया आपसे लिया वहाँ पे हो है। ओके, सो वहाँ पे लिया, तो पता नहीं कुछ शूटिंग का हो सकता है या फिर हो, तो कोई बड़ी बात नहीं यार, हम 50 क्या ज़्यादा है। अगर 500 भी रहता तो हम देखे यहाँ पे आते, 100 to 1% आते। ये काम तेरे पे अच्छा लगता है, वैसे भी ये फोटोग्राफर ही है। अच्छा है, स्माइल नहीं बोला तूने, ऐसा काम मत कर, स्माइल बोला कर। तो वार है यहीं पे हुए थे, और मैं जस्ट वहाँ पे सोल्जर से एक बातें सुनी, जो टाइगर हिल है वो आगे, मुझे बस वही जानना था, तो मैं आपको बस दिखाने के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे टाइगर हिल कहाँ पे है। यहाँ से वॉर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी थी जो इस हाईवे को कैप्चर करने वाली थी। अगर ये हाईवे अगर ये हाईवे टूट जाता तो भाई मुश्किल होता। सो वो जो पॉइंट दिख रहा आपको, वो वाला वो है टाइगर हिल। वो देख वहाँ पे टाइगर हिल, ये कहाँ गया, इसको बुलाया मैं, कहाँ है यार,
सो वहाँ पे है टाइगर हिल। क्या बात है, यहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई थी और यहाँ से टाइगर हिल तक गई थी। जितनी कहानी हमको पता चली हमने आपको बताई। यहाँ से 9 किलोमीटर आगे बॉर्डर है यहाँ से। सो बहुत बढ़िया लग रहा है। चल अब चलते थोड़ा और 2-3 देख लेते वहाँ पे। एक राउंड वहाँ से मारना है। हाँ चल जरूर 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 जरूर। भैया वीडियो अभी स्टार्ट किया। सो यहाँ पे जितने भी आप ये स्टैचू देख रहे हो, ये स्टैचू उन हीरोज के हैं जिन्होंने ये वॉर जिताया था और अपनी जान दी थी। और वहाँ पे वीरभूमि जिन्होंने अपनी जान दे के इस कारगिल वॉर को जीता। वहाँ पे टाइगर हिल, ये सब यहाँ की डॉक्यूमेंट्री, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री देखिए। बाहर निकल रहे कुछ 10 या 15 मिनट की है। अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। रुक जा भाई, आने तो दे बाहर। लोकल ट्रेन की हालत नहीं है, पैसे निकल देने पड़ेंगे टिकट मूवीज के। और ये तो देखना ही देखना है, तो जाके हमको यहाँ का एग्जैक्ट पता चलेगा कि यहाँ पे लोग, यहाँ पे हमारे सोल्जर्स ने कैसे इस चीज़ को कवर किया था इंडिया में। चलेगा ठीक है, यहाँ बैठ जाते। सो अंदर जो से छोटा सा थिएटर टाइप में है इंडियन आर्मी, और प्रोजेक्टर से पूरा असली दिखेगा। वो देखिएगा वो टाइगर हिल का फ़ोटो वहाँ पे, जब हम टाइगर हिल जीत गए थे वापस से। और यहाँ भी कुछ फ़ोटोज है। वाह बहुत ज़बरदस्त, इसे कहते हैं रियल फ़ोटो यार। सो कारगिल के अंदर हमने देख लिया, मतलब जो शॉर्ट फिल्म था तो डॉक्यूमेंट्री था एग्जैक्ट, और भी बहुत सारे वॉर के बारे में बताए थे। यहाँ पे एक फोटो क्लिक कर लेते हैं और फिर चलते हैं। बाकी बाइकर्स भी यहाँ से निकल रहे हैं, हम भी निकलते हैं क्योंकि आगे जो है कैंपिंग का प्लान है। तो जगह ढूंढेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे आना तो वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जरूर देख के जाना, फिर आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा। सामने देख रहे हो वो है टोलोलिंग पहाड़। ओके जाओ, फिर वहाँ से स्टार्ट होते हुए वहाँ पे है टाइगर। सो सब कुछ यहीं पे हुआ था। सो चलिए इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, जो हमने कारगिल वॉर मेमोरियल देखा। स्पेस छोटा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी है, स्टोरी बहुत बड़ी है, जो कि रियल है और जो कि दर्शाती है आर्मी के बारे में। हम तो मतलब उस काबिल है ही नहीं कि आर्मी बन जाए इस जन्म तो नहीं, अगले जन्म अगर इंसान हुए तो आर्मी में ज़रूर जाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। यस ये अभी भी सरकार लगा दे कि आप आर्मी में 3 साल सर्विस दे सकते हो, सीधा पहले भाग के जाएंगे हम। चलो मिलते अब आगे कंटिन्यू दूसरे व्लॉग में। चल भाई।